रुख करते हैं। एनसीपी सांसद सुफिया सुले के बयान से सियासत गर्मा गई है। दरअसल सांसद सुफिया सुले ने बड़ा बयान दिया है, 15 दिन में दो बड़े राजनीतिक बदलाव होंगे, दिल्ली और महाराष्ट्र में दो बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, ऐसी जानकारी सुफिया सुले की तरफ से रखी गई है सामने। अजीत पवार के सवाल पर सुफिया सुले बोली हैं और ये बड़ी बात बोली हैं, वो भी तब जब 2024 की चुनावों को देखते हुए तैयारियां हर पार्टी कर रही है। वो कह रही है, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं बता सकती हूँ कि अगले 15 दिन में दो बड़े राजनीतिक बदलाव होने हैं। अब किसकी तरफ इशारा कर रही थी ये तो सुप्रिया सुले बेहतर जानती होंगी। क्या ये इशारा अजीत पवार की तरफ था, क्या ये इशारा शरद पवार की तरफ था, ये अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन उन्होंने कहा, मेरे पास गॉसिप के लिए तो वक्त नहीं है। एनसीपी की सांसद हैं सुप्रिया सुले और कह रही हैं कि अगले 15 दिन में दो बड़े राजनीतिक फेरबदल होंगे, बड़े बदलाव होंगे, राजनीतिक विस्फोट भी इसे कह सकते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र का जिक्र सुप्रिया सुले ने किया है। हमने ये भी देखा है कि अजीत पवार कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी शरद पवार कहते हैं कि गलत तरीके से सरकार को घेरा जाता है, इन आरोपों में दम नहीं है। कभी कभी रह रहकर अगर बीजेपी से नजदीकी अजीत पवार और शरद पवार की नजर आती है तो क्या सुप्रिया सुले वही संकेत देना चाह रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। सुप्रिया सुले ने कहा, गॉसिप के लिए तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हाँ अगले 15 दिन में दो बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे दिल्ली और महाराष्ट्र के सिलसिले में, सुप्रिया सुले ने ये बड़ी बात कही है। ऐसे में जो सियासत है वो गरमाई हुई है, जो कयास हैं वो और ज्यादा तेज हो गए हैं, सभी अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि 15 दिन में दो बड़े राजनीतिक बदलाव आखिर क्या हो सकते हैं। सुप्रिया सुले ने साफ इशारा किया है, एक बदलाव होगा महाराष्ट्र में, दूसरा जो बदलाव होगा वो दिल्ली में होगा। अब ये बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, दिल्ली में क्या होने वाला है, सुप्रिया सुले ने इशारा सिर्फ दिया है लेकिन खुलकर वो कुछ बोली नहीं है। हालांकि शरद पवार, अजीत पवार ही कभी बीजेपी के फेवर में बात करते हुए नजर आते हैं, कभी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी ये भी कहते हैं कि नहीं, महाविकास अघाड़ी किसी भी तरह से टूटा नहीं है, हम लोग साथ में हैं, साथ में ही आगे रहा जाएगा, लड़ा जाएगा। लेकिन जब सुप्रिया सुले ने ये संकेत दिए हैं तो फिर राजनीतिक बाजार और ज्यादा गरमाया हुआ है, राजनीतिक जो गलियां हैं उनमें सियासत अलग तरीके से हो रही है, कयास अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में ये दो बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं, सबकी निगाहें इस तरफ टिकी हुई हैं। 15 दिन का इशारा दिया है सुप्रिया सुले ने, 15 दिन में दो बड़े राजनीतिक बदलाव की बात कही है, 15 दिन में एक बदलाव महाराष्ट्र में होगा ऐसे संकेत दिए हैं, जबकि दूसरा जो बड़ा बदलाव होगा वो दिल्ली में होगा।